ऐसे पकड़नी थी, ऐसे नहीं पकड़नी, ऐडी हमें था ऐसे पकड़ा करो ऐसे। देखिए कल एक बहुत विशाल रैली होगी और इस रैली को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सतपाल सिंह जी संबोधित करेंगे। पूरे जनपद में उत्साह आपने देखा है और ये तैयारी नहीं, ऐसा ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आज तक हमारे राष्ट्रीय आदरणीय नेताजी भी इसमें सभा कर रहे तब हम लोग नहीं कर पाए। अटल बिहारी जी ने सभा की, माननीय अटल बिहारी जी ने, तब भी ये ग्राउंड नहीं भर पाया और कल ग्राउंड ऐसा भरा जाएगा कि सड़कों छतों में कहीं एक इंच जगह नहीं मिलेगी जहाँ आदमी। लगभग कितने लोगों आने की संभावना है? हम जानते हैं कि हमारी रैली में 1.5 लाख आदमी आया था तो इसमें 3 लाख आदमी आने की संभावना है। इस मैदान में कल कितने बजे से सभा शुरू होगी? 11 बजे से सभा शुरू हो जाएगी। विधायक जी, कल पेड़त में भी रामगोपाल जी ने सभा रखी है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए ये समझदार पढ़े लिखे लोगों का वो नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की बुद्धियां लगभग गड़बड़ हो चुकी हैं। इसलिए न एक जिले में एक पार्टी की जब रैली होती तो कभी ऐसा नहीं दूसरे दल के किसी नेता रैली की हो। ये जानबूझकर कुछ शराब माफिया हैं, कुछ अपराधी हैं, कुछ सच्चा माफिया हैं, इस तरह के लोगों ने प्रोफेसर को गुमराह कर रखा है। प्रोफेसर को गुमराह क्या, उनकी मति भ्रमित कर दी है। और लड़का तो उनका नॉन पॉलिटिकल है, सांसद तो पॉलिटिकल है ही नहीं करते। अगर पॉलिटिकल होता तो रामगोपाल जी को भी पॉलिटिकल नहीं मानता, अगर पॉलिटिकल होते तो अपने बट वृक्षों को थोड़ी काट देते। आज ये द्वार द्वार घर घर नहीं घूमना पड़ता रामगोपाल जी को, जो आज द्वार द्वार घूम रहे हैं। 5 साल जनता का अपमान किया, लोगों को बेइज्जत किया, लोग कई लोग तो हार्ट अटैक से मरे गए यहाँ हमारे जिले में। तो ये सारे अपमान का बदला जनता लेगी, समय आ गया है और जनता के पास ये 5 साल में ही समय आता है बदला लेने का, तो जनता आपको उनसे बदला लेगी और कल साबित हो जाएगा कि इस जिले में किसका आधार है, किसका जनाधार है। आधार जनाधार तो पता ही लग गया था 22 तारीख की रैली में लोगों को, किसका जनाधार है, समाजवादी पार्टी किनकी वजह से ही इस जिले में लड़ने की घोषणा करेंगे विधिवत जनता के सामने, जनता को पूछकर, और जनता उनके निर्णय का स्वागत करेगी और जनता स्वयं चुनाव लड़ेगी, उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी।